हेलो स्टूडेंट्स आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया आज मैं इस वीडियो में आपको एलेवेंथ क्लास की फर्स्ट पोम अ फोटोग्राफ का सेंटल आइडिया बताऊंगा इट्स ए ब्यूटीफुल पोइम बाय शार्ली टोलसन लेट्स बिगिन द सेंटल आइडिया ऑफ दिस पोइम फोटोग्राफ इस पोइम की पोइट है शाली टोलसन इन दिस पोइम द पोईट इज tells us अबाउट थ्री डिफरेंट स्टेजेस इस पोइम में कवित्री शालिटोलसन हमें जीवन की तीन डिफरेंट अवस्थाओं के बारे में बताती हैं फर्स्ट वैन हर मदर वॉज अबाउट ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एच पहली अवस्था जब उनकी माँ लगभग बारह वर्ष की थी उनके बचपन की अवस्था सेकेंड आफ्टर अबाउट ट्वेंटी ईयर्स वैन है मदर लाफ एंड स्माइल्ड एट अ ओन फोटोग्राफ और दूसरी अवस्था जब लगभग बीस साल के बाद उनकी माँ अपने ही फोटोग्राफ को देख कर हंस रही थी और मुस्कराई थी एंड थर्ड वैन पोइट्स मदर है डाइट और तीसरी अवस्था जब पोइट की माँ मर चुकी थी दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ द पोएम स्पीक्स अबाउट द ओल्ड मेमोरीज ऑफ द पास्ट थ्रू ए स्नैपशॉट पोएम एक फोटो के माध्यम से बीती हुई पुरानी यादों को व्यक्त करती है शी रिमेंबर्स द वर्ड्स ऑफ मदर अबाउट दैट पिक्चर कवयित्री अपने माँ के कहे हुए उन शब्दों को याद करती है जो उन्होंने उस फोटो को देख करके कहे थे द थर्ड फेज इज़ वेरी पेनफुल एज द पोइट हैज़ लॉस्ट हर मदर जो तीसरा फेज़ है वो बहुत ही दुखदाई है क्योंकि कवि अपनी माँ को खो चुकी हैं शी इज़ वेरी सैड वो बहुत दुखी हैं द पोएम आ फोटोग्राफ बाय द पोइट इज़ ए ट्रीब्यूट टू हर मदर ये पोएम आ फोटोग्राफ कवि के द्वारा अपनी माँ को एक श्रद्धांजलि है थैंक्स फॉर वॉचिंग यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू